स्टूडेंट ग्रीनवुड में आज हम चैप्टर 9 करेंगे, ए डेली ड्रामा, मतलब रोज का नाटक या रोज का जो चीज रोज होती है, रूटीन में जो होती है। फ्रॉम माय अंकल पोजर्स हाउस टू द रेलवे स्टेशन वाज 8 मिनट्स वॉक। मेरे अंकल के घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूर था? 8 मिनट का रास्ता था। माय अंकल ऑलवेज सेड, मेरे अंकल हमेशा कहते थे, गिव योर सेल्फ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड वॉक जेंटली, कि अपने आप को मतलब घंटे का एक चौथाई टाइम दो और धीरे अच्छे से चलो धीरे। वट ही ऑलवेज डिड वॉज टू स्टार्ट 5 मिनट्स बिफोर द टाइम एंड रन। और उनका क्या रूटीन था कि वो टाइम से 5 मिनट पहले निकलते थे और भागते थे ट्रेन पकड़ने के लिए। मैनी फैट जेंटलमैन लिव्ड एट ईलिंग, ईलिंग एक वहाँ जगह का नाम था, एंड कॉट दिस ट्रेन टू टाउन। और वहाँ पे जो जेंटलमैन थे, जो लोग थे वहाँ के, वो नौकरी पर जाने के लिए अपने ट्रेन पकड़ते थे। दे ऑल स्टार्टेड लेट, वो सारे लेट निकलते थे घर से। दे ऑल कैरिड ए ब्लैक बैग एंड ए न्यूज़पेपर इन वन हैंड, उन सबके हाथों में एक काला बैग और अखबार होता था जो वो ट्रेन में बैठ के पढ़ते थे। एंड एन अम्ब्रेला इन द अदर, दूसरे हाथ में उनके एक छाता होता था। एंड फॉर द लास्ट क्वार्टर ऑफ ए माइल टू द स्टेशन वेदर, द वेदर वाज वेट और फाइन, दे ऑल रेन, वेदर होता है मौसम, मौसम चाहे कैसा भी हो, वो सारे ट्रेन को देखते के साथ भागते थे। पीपल विद नथिंग एल्स टू डू यूज टू गैदर इन द स्ट्रीट, लोगों के पास कुछ का होता नहीं था, वो सारे गली में इकट्ठा हो जाते थे। ऑन फाइन मॉर्निंग टू वॉच देम पास, उन मतलब सुबह उनको देखने के लिए कि लोगों की कैसा भाग दौड़ी होती है। एंड शाउट एनकरेजमेंट टू देम, और वो उन सबको प्रोत्साहित करते थे कि भागो भागो, ट्रेन आपकी आने वाली है। दे डिड नॉट रन वेल, तो मोटे लोग अच्छे से भाग नहीं पाते थे। दे डिड नॉट इवन रन फास्ट, वो तेज भी नहीं भाग पाते थे। बट दे ट्राइड देयर हार्डेस्ट, लेकिन वो बहुत मेहनत करते थे भागने के लिए। माई अंकल ऑलवेज गोट अप अर्ली इनफ, मेरे अंकल सुबह बहुत जल्दी उठते थे। बट ट्रबल सीम टू कम टू हिम एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन उनकी परेशानियाँ सुबह से ही शुरू हो जाती थी। द फर्स्ट थिंग ही डिड आफ्टर ब्रेकफास्ट वॉज टू लॉस हीज न्यूज़ पेपर, सबसे पहले तो उनका सुबह का अखबार खो जाता था। वेन एवर ही लॉस्ट एनीथिंग माई अंकल पोजर डिड नॉट से टू हिमसेल्फ आई एम ए केयरलेस ओल्ड मैन, वो अखबार को हर जगह ढूंढते और अपने आप में बुदबुदाते कि मैं एक लापरवाह बूढ़ा हो गया हूँ। आई लॉस एवरीथिंग, मैं सब कुछ खो देता हूँ। आई नेवर नो वेयर आई हैव पुट एनीथिंग, मुझे याद नहीं रहता कि मैंने क्या चीज़ कहाँ रख दी है। आई कैन नेवर फाइंड इट अगेन फॉर माई सेल्फ, और मैं उसको ढूंढ नहीं पाता हूँ। आई मस्ट बी ए ग्रेट ट्रबल टू एवरीबडी राउंड मी। नो, वेन एवर ही लॉस्ट एनीथिंग ही ऑलवेज ब्लेम्ड एवरीबडी एक्सेप्ट हिमसेल्फ, हालांकि इनको जब भी कुछ खो जाता था तो वो घर में हर किसी को दोष देते थे कि इसने खो दिया होगा, इसने खो दिया होगा, अपने आप को दोष कभी नहीं देते थे। आई हैड इट इन माई हैंड ए मिनट एगो, ही वुड क्राई, वो चिल्लाते थे कि अभी तो मेरे हाथ में था 1 मिनट पहले, एक बार कहाँ चला गया। परहैप्स यू हैव लेफ्ट इट इन द गार्डन, माई आंट वुड सजेस्ट, तो मेरी आंटी बोलती शायद आपने गार्डन में छोड़ दिया होगा। Why should I leave it in the garden? मैं इसे गार्डन में क्यों छोड़ूंगा? I don't want a paper in the garden. मैं गार्डन में पेपर लेकर ही नहीं जाता। I want the paper in the train with me. मैं तो ट्रेन में लेकर जाता हूँ अपने साथ। Have you put in your pocket? क्या आपने जेब में रखा है? Do you think I should be standing here at 5 minutes to 9 looking for it if I had in my pocket all the time? Do you think I am a fool? तो अंकल चिल्लाते, क्या मैं मूर्ख हूँ जो इसको जेब में रखूँगा, जे में रख के घूमूंगा अखबार को। हेयर समबडी वुड आस्क, तो तभी उनमें से कोई एक पूछता है, व्हाट्स दिस, ये क्या है। एंड हैंड हिम फ्रॉम समवेयर ए फोल्डेड न्यूज़पेपर, और उनको एक फोल्ड किया हुआ न्यूज़पेपर लाके देते हैं। आई डू विश पीपल वुड लीव माई थिंग्स अलोन, ही वुड से टेकिंग इट एंग्रीली, और वो चिल्लाते हैं गुस्से से, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी चीज़ों को अकेला छोड़ दें, मेरी चीज़ों को कोई हाथ ना लगाए। ही वुड ओपन हिज बैग टू पुट इट इन, और अब उस फोल्ड किए अखबार को अपने बैग में रखते हैं। एंड देन टेकिंग ए क्विक लुक एट इट, तभी उनकी नज़र अखबार की डेट पर पड़ती है। ही वुड पॉज स्पीचलेस, तो एकदम से वो निशब्द हो जाते हैं, उनके मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। व्हाट्स द मैटर, माई आंट वुड आस्क, तो मेरी आंटी पूछती क्या हुआ, क्या दिक्कत हो गई। इट्स यस्टरडेज पेपर, ये तो कल का पेपर है पुराना।
ही वुड शाउट, वो बुरी तरह चिल्लाते हैं, थ्रोइंग इट डाउन अपॉन द टेबल, और उस अखबार को टेबल पर पटक देते हैं। वी फाउंड द राइट वन फॉर हिम एट लास्ट, फिर हम सारे मिलकर ढूंढते हैं, करते करते उनके लिए पेपर ढूंढ देते हैं। यही रोज का ड्रामा चलता रहता है, रोज वो पेपर खोते हैं, रोज हम ढूंढते हैं। वेरी ऑफन ही वॉज सिटिंग ऑन इट, और ज़्यादातर तो वो अपने अखबार पर बैठ जाते हैं। एंड देन ही स्माइल्ड सैडली एज इफ ही वॉज लिविंग विद ए लॉट ऑफ होपलेस फूल्स, और उसके बाद वो एक मूर्ख की तरह हंसते हैं, निराश मूर्ख की तरह। ऑल द टाइम राइट इन फ्रंट ऑफ योर नोजिस, फिर वो अपना क्या कहते हैं चश्मा भूल जाते हैं कहीं भी रखे, तो आंटी बोलती है तो आप हमेशा आपकी नाखों पर रहता है। देन ही वुड गो टू द हॉल वेयर इट वॉज माई आंट्स कस्टम टू हैव ऑल द चिल्ड्रन रेडी टू से गुड बाय टू हिम, और मेरी आंटी के घर की क्या रिवाज थी कि वो सारे गुड बाय बोलते थे जो भी कोई बाहर जाता था। वन ऑफ देम ऑफ कोर्स वॉज श्योर टू बी मिसिंग, एंड द मोमेंट दिस वॉज नोटिस्ड ऑल द अदर वुड रन ऑफ विद लाउड क्राइज टू फाइंड हिम, अब सब मिलके उनके उस चश्मों को ढूंढने लग जाते हैं। मोर मिनट पास्ड व्हाइल दिस वॉज गोइंग ऑन विच वॉज जस्ट इनफ टाइम फॉर माई अंकल टू फाइंड हिज अम्ब्रेला एंड लॉस्ट हिज हैट, और फिर करते करते एक चीज़ मिलती है तो फिर वो अपना हैट भूल जाते हैं, हैट खो जाता है फिर उनका। देन एट लास्ट वैन एवरी वन वॉज टुगेदर इन द हैंड अगेन द क्लॉक वुड स्ट्राइक 9, ऐसे करते करते 9 बज जाते हैं घड़ी में। द एल्डेस्ट बॉय वुड से दैट द क्लॉक वॉज 5 मिनट्स स्लो, ही नो बिकॉज ही हैड बीन लेट फॉर स्कूल द डे बिफोर एज ए रिजल्ट ऑफ इट, और जो उनका बड़ा लड़का है उनको लगता है कि वो घड़ी धीरे चलती है और वो रोज़ स्कूल के लिए लेट हो जाता है। एट दिस माई अंकल बिगेन टू रश मैडली टूवर्ड्स द गेट, और ऐसे 9 बजते के साथ मेरे अंकल पागलों की तरह गेट की तरफ भागते हैं कि कहीं ट्रेन ना निकल जाए। वेयर ही वुड रिमेंबर दैट ही हैड विद हिम नाइदर हिज बैग नॉर हिज अम्ब्रेला, और उनको ये भी याद नहीं रहता कि उनके हाथ में बैग या अम्ब्रेला है या नहीं। वेन फाइनली ही हैड गॉन ही यूज टू डिस्कवर ऑन द हॉल टेबल द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ दैट ही हैड फॉरगॉटन एंड वंडर दैट ही वुड से अबाउट इट वैन ही कैन कम होम, इट वॉज द हिज फियर ऑफ रीडिंग क्लासेज, और जब वो आखिर में करते करते बाहर पहुँचते हैं तब उनको याद आता है कि वो तो अखबार पढ़ने के लिए जो चश्मे हैं चश्मों को तो वो घर ही भूल आए हैं, अखबार तो मिल गया करते करते लेकिन अब वो चश्मों को घर भूल आए हैं। यही रोज का ड्रामा चलता रहता है, इसलिए इस स्टोरी का नाम क्या है, ए डेली ड्रामा। रोज का ड्रामा उनका यही चलता रहता है, कभी कुछ खो जाता है कभी कुछ खो जाता है, और आखिर में करते करते सब कुछ मिलने के बाद उनके चश्मे घर भूल जाते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंग्लिश में ग्रीनवुड में आज हम चैप्टर 9 करेंगे, डेली ड्रामा। डेली ड्रामा वर्ड मीनिंग मतलब रोज का नाटक या ड्रामा। क्वार्टर चौथा भाग या चौथाई भाग। कोर्ट पकड़ना। वेदर मौसम। स्ट्रीट गली। अर्ली जल्दी। केयरलेस लापरवाह। एक्सेप्ट के सिवाय। परहैप्स शायद। लेफ्ट छोड़ना। स्पीचलेस निःशब्द, जब बोलने के लिए कोई शब्द ना हो जिसके पास। ईलिंग नेम ऑफ ए प्लेस, ये एक जगह का नाम है। क्वेश्चन आंसर, व्हाट डिड अंकल पोजर ऑलवेज से, अंकल पोजर ऑलवेज सेड दैट वी शुड गिव अवर सेल्फ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड वॉक जेंटली। अंकल कहते थे हमेशा कि अपने आप को थोड़ा कुछ टाइम दो और आराम से चलो। हाउ डिड फैट जेंटलमैन लिविंग एट ईलिंग कैच ट्रेन, जो जेंटलमैन ईलिंग पे रहते हैं उधर वो ट्रेन कैसे पकड़ते थे। फैट जेंटलमैन स्टार्टेड लेट, दे ऑल कैरिड ए ब्लैक बैग एंड ए न्यूज़पेपर इन वन हैंड एंड ए अम्ब्रेला इन द अदर हैंड। अदर मतलब उनके एक हाथ में काला बैग होता था, उनका सामान होता था जो उसके अंदर, और एक हाथ में न्यूज़पेपर और अम्ब्रेला। दे ऑल रेन वेदर द वेदर वॉज वेट और फाइन, और वो सारे भागते थे ट्रेन को देखते ही चाहे मौसम अच्छा हो या बुरा हो। वट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स डिड अंकल पोजर फेस एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट ही लॉस्ट द न्यूज़पेपर एंड गॉट
yesterday's newspaper. आखिर में वो अपना newspaper रोज खो देते थे सुबह और उनको पुराना newspaper मिलता था. Whom did Uncle Pozier always blame? किसको दोष देते थे? He always blamed everybody except himself. अपने आप को छोड़कर बाकी सबको वो ब्लेम देते थे, दोष देते थे. What was the aunt's custom? आंटी की क्या रिवाज थी? Aunt's custom to have all the children ready to say goodbye to him. What was the most important thing that Uncle Pozier often forget? क्या चीज़ वो भूल जाते थे हमेशा? He had forgotten and wondered what he would say about it when he came home. It was his pair of reading glasses. वो हमेशा चश्मे अपने भूल जाते थे. Fill in the blanks. Many fat gentlemen. Lived at Ealing. Ealing में रहते थे. My uncle got up early. बहुत जल्दी मेरे अंकल उठते थे. He always blamed. किसको दोष देते थे वो? Everybody. हर किसी को दोष देते थे. Except himself. अपने आप को छोड़कर. He smiled as if he was living with a lot of hopeless fools. निराश मूर्खों के साथ वो रहते थे, ऐसा वो सोचकर हंसते थे. When everyone was together, the clock would strike. जब हर कोई साथ होता था तो घड़ी कितने बजाती थी? 9 बजाती थी. थैंक यू.